दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अपोलो क्लिनिक। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अपोलो क्लिनिक, जो कि खरड़ में भी अपनी सेवाएं दे रहा है, पहले चंडीगढ़ में भी था, और ये बहुत बड़ी चेन है जिसके फाउंडर प्रताप सिंह रेड्डी हैं, जिन्होंने ये बूटे लगाए हैं, और जिससे हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, हर जगह पर जो सेवाएं हैं अपोलो की चल रही हैं। अभी हम हैं इसके खरड़ वाले वेंचर में। अंकल जी, किदां दे रिव्यू तुहाडे, किदां तुहानूं लग्या तुसीं अपोलो क्लिनिक चाहे जिहड़ा कि सेवा दा केंद्र बन के पहलां सारे पंजाब च सेवा कर रहे सीगे, दिल्ली सेवा कर रहे हैं, और हुण जिहड़ा हैगा खरड़ विखे खुल्लिया, किदां तुहानूं लग्या? बहुत सही अभी हमें अपोलो क्लिनिक के वार्ड में और बात कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। बेटा, स्वागत है आपका। थैंक यू। बेटा, आमतौर पर तो वैसे हॉस्पिटल में हम लोग ये पूछ नहीं सकते कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई ज़्यादा बढ़िया किसी को लगता नहीं होता कि जब हम लोग बीमार होते हैं, लेकिन यहाँ का स्टाफ, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एमबीएस कैसा आपको पोलो का कैसा लगा? बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, एवरीवन इज़ वेरी फ्रेंडली ओवर हियर, और सब बहुत अच्छे से बात करते हैं और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे कि एक तो बंदा बीमारी से ग्रस्त होता है और दूसरा स्टाइल जो होते हैं वो नेगेटिविटी या उसे गुस्से से, क्या लगता है कि इस हॉस्पिटल में तो यहाँ खुशबुएँ हैं? नहीं, ऑब्वियसली इंसान ऑलरेडी बीमार हो और फिर उसके साथ अजीब से बिहेव करो तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ सारे बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, जैसे फैमिली जैसे, अच्छे से सब। बहन जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। इवन आई कैन लीव हर अलोन फॉर अ नाइट, इवन दे टेक अ गुड केयर ऑफ हर। आई एम सो हैप्पी विद द सर्विस एंड एवरीथिंग एंड द टेस्ट एंड एवरीथिंग। अभी हम हैं उस स्टाफ के साथ जो पोलो क्लिनिक में दिन रात की परवाह किए बिना बैकबोन भर के सेवा कर रहा है, और जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट के रिव्यू तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी वजह डॉक्टर तो एक बार आता है, लेकिन जो केयरिंग है वो नर्सिंग स्टाफ ने करनी है, और हमारे साथ डाइटिशियन मैडम हैं जो बिल्कुल ध्यान रखते हैं सभी के खाने पीने का, कि कैसे आपको खाना है, कैसे आपको कैलोरीज आपके अंदर कितनी जानी चाहिए, कि बीमारी के साथ साथ आपको भोजन के साथ भी आपकी जो सेवा है वो पॉजिटिव हो। बात कर रहे हैं डाइटिशियन मैडम। मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आई एम डाइटिशियन हियर फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल। आई विल गिव ऑल टाइप ऑफ डाइट्स लाइक डायबिटीज एंड हेपेटाइटिस, सेकेंडली विद हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ऑल्सो, एंड ऑल पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विद माई डाइट। एंड एज फार एज योर काउंसलिंग इज कंसर्न, व्हाट विल से कि काउंसलिंग इज अ मेजर पार्ट इन द डाइटिशियन। आई विल गिव ऑल टाइप ऑफ काउंसलिंग डिपेंडिंग ऑन पेशेंट। यस, That's it. Thank you. Feeling here? कैसा लग रहा है अपोलो भाई? I'm feeling very good in Apollo. Basically, Madam Rishi is concerned. Yeah, Madam Rishi is very good. A very friendly nature she have, and if our seniors are having basically a good nature, it will definitely like it will flaunt to us that we will also provide good care and we'll also provide our best to the patients. क्या कहना चाहेंगे कि 10 बजे का टाइम है, लोगों की आंखों में आते ही 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये होना, लेकिन यहाँ पर ग्लो रहती है आप लोगों की आंखों में, हम सभी के देख रहे हैं स्टाफ के, ये माने कि ऋषि मैडम की जो पावर है उसमें प्रेम वाली। बिल्कुल बिल्कुल, ऋषि मैम खुद इतने एक्टिव रहते हैं, तो उनकी एक्टिवनेस से हम भी एक्टिव रहते हैं। अपोलो क्लिनिक जो कि केवल सभी तरह की सर्विसेज जो हेल्थ के में दे ही रहा है, और उसके साथ साथ ये डेंटल के भी सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अग्रिम शर्मा, मैं डेंटिस्ट हूँ अपोलो क्लिनिक खरड़ में। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेंटिस्ट्री जिसमें स्माइल डिजाइनिंग, जिसमें आज चेंज हो चुकी है डेंटिस्ट्री, आज वो बातें नहीं रही हैं, आज तो लोगों के पास टाइम नहीं है, प्रोसीजर्स बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी सर, आजकल डेंटल में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि बहुत कॉमन है RCT। पहले आप देखते थे कि RCT को हमें मल्टीपल विजिट में करना पड़ता था, बट आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम सिंगल सिटिंग RCT कर देते हैं विद इन 45 मिनट्स। और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारी हमें भी हेल्प मिल जाती है, जल्दी प्रोसीजर्स हो जाते हैं और पेशेंट को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है और स्टरलाइजेशन का यहाँ बहुत ध्यान रखा जा रहा है? हाँ जी सर, एक्चुअली हमारी USP जो है वो है ही स्टरलाइजेशन की बेसिकली, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में देखते हैं, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जहाँ मतलब प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं होते इंस्ट्रूमेंट्स और मतलब थोड़ी प्रैक्टिस अनएथिकल प्रैक्टिस चलती है, बट यहाँ पे हम चाहे पेशेंट थोड़ा कम कर लेते हैं बट हम एथिकल प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान रखते हैं। थैंक यू सर, वेरी योर वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल, प्राइवेट रूम है अपोलो क्लिनिक का, इस विच हर एक तरह की फैसिलिटी है, जिवें कि अपना बेड हो गया, वेंटिलेटर हो गया, एंड एयर कंडीशन ए रूम है पूरा। मैडम तुसी इत्थे नर्सिंग स्टाफ दे तौर दे उत्ते सेवा कर रहे हो, की कहना चाहोगे कि अपोलो क्लिनिक जिहड़ा एक ऐसा क्लीनिक है जिहदे विच आके बंदे दा मन जिहड़ा बहुत ही पॉजिटिविटी जांदा, और ऋषि मैडम जिन्हां ने हमेशा अपने स्टाफ नूं एक पॉजिटिविटी दित्ती आ, काउंसलिंग करदे ने, ओह उहनां दा माइंड है कि असीं इस हॉस्पिटल दे विच सर्विसिज आ जिहड़ियां बहुत ही पॉजिटिव देनियां हैगियां, और नर्सिस जिन्हां दा मेन रोल हुंदा हैगा उहनां दे विच एक फेस इंप्रैशन लाइट खुशी वाला। पहली गल तो मैनू इत्थे 1.5 साल हो गया काम करदे नूं, ते मैनू बहुत वधिया जिहड़ा एक्सपीरियंस है मैं इत्थों लिया, ते जिहड़े साडे डॉक्टर ऋषि मैम है वह बहुत अच्छा जिहड़ा उहनां दा बिहेवियर है स्टाफ दे नाल ते अपने इंपलॉयज़ दे नाल जिन्ने भी है, बहुत ज़्यादा वधिया मैनू इत्थे रह के जिहड़ा है मिलिया, ते आई होप साडा जिहड़ा क्लीनिक है बहुत उपर तक जावे। मैं डॉक्टर पुष्प जी के साथ जो यहाँ पर MD प्रैक्टिशंस हैं, डॉक्टर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि एक तो वर्ल्ड क्लास अपोलो क्लिनिक और उस पे डॉक्टर पुष्प जी जिनका लंबा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे कि ये तो सोने वाले के सौभाग्य वाली बात है अपोलो क्लिनिक के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे वालों सबनों पहला गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पजीत सिंह, मैं अपनी MBBS कीती हुई मेडिकल कॉलेज अमृतसर, फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन MD पेडियाट्रिक्स मेरी है गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज अमृतसर, एंड पिछले 4 साल तो मैं ट्राई सिटी एरिया दे विच ही हैं, एंड मैं 1 साल अपनी फैलोशिप कीती है न्यूनेटोलॉजी दे विच चतन्या हॉस्पिटल तो। हूँ मैंने ऑलमोस्ट इतने 3 महीने हो गए हैं, तो हूँ साडा जो प्लैन है इतने का प्रेजेंटली जो आप सर्विसिज ऑफर कर रहे हैं उदे विच एक तो पहले आप IPD सर्विस शुरू कीतिया ने, बच्चे नूं जिहो जिही भी बीमारी है आपां इत्थे IPD दी लोड़ है आपां इत्थे स्टार्ट कीता होया, OPD तो चलो चलती ही है, हर तरीके की वैक्सीनेशन वह भी इत्थे अवेलेबल है, एंड इन द कमिंग फ्यू 1-2 महीने विच आपां एक Level 3 NICU भी स्टार्ट कर रहे हैं। Level 3 NICU मतलब कि छोटे तो छोटा बच्चा 500 ग्राम का बच्चा भी होगा, 600 ग्राम का बच्चा भी होएगा, वह भी आपां जिहड़ा है ट्रीटमेंट इत्थे एक बार NICU स्टार्ट हो जाएगा वह भी आपां स्टार्ट कर देना है, ताकि इत्थों के जिहड़े खरड़ का एरिया है वह सारा जा रहा टूवर्ड्स मोहाली टूवर्ड्स चंडीगढ़ जा रहा, आपां चाहते हैं कि जिहड़ी वह फैसिलिटीज़ हैगी पेरेंट्स नूं वो आपां इत्थे ही प्रोवाइड कर दिए कि और टूवर्ड्स इनवर्ड सिटी जान, ते सर्विस सारी अवेलेबल ने, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ने, जे आपां ही कहिंदे ने कि यू मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिहड़ा कि अजकल बच्चों नूं छोटे बच्चों नूं बहुत ज़्यादा हो रहा है, की कहना चाहोगे कि लोग पफ तो घबराते हैं? पफ तो घबराना नहीं चाहिए गा, और पफ दे नाल एक उन्हां दे माइंड दे विच जिहड़ी चीज़ लग जाती है कि पता नहीं पफ जिहड़ा हैगा वो एक बारी जे लग गया सानू तो सारी जिंदगी लग जू, की कहना चाहोगे? जिहड़ा गल कर रहे हैं कि जिहड़ा ब्रोंकल अस्थमा जिहनू आपां कह दिंदे हां, पहली गल कि 6 साल तो नीचे बच्चे नूं आपां कदे भी अस्थमा लेबल नहीं करते, उहनू कहिंदे आपां रिएक्टिव एयरवे डिजीज़। रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ हुंदी है जिहड़ा दस रहे कि पफ आपां स्टार्ट करदे ने, वह आपां एक स्टार्ट कर रहे जस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का रिस्पोंस, 3 महीने जो रिस्पोंस आएगा आप 3 महीने बंद कर देंगे ने, एंड जिहड़ी सब तो वड्डी मिथ है कि आदत लग जाती है। हुण इह मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे के दसदा, आपां सिर्फ किसी को खंघ लगती है, किसी को दिक्कत आती है, वो कैमिस्ट को चले जाते हैं, कैमिस्ट की करते हैं कि कफ सिरप दे देते हैं। हुण असल चीज़ की है, कफ सिरप लेंदे हैं तो वो मिलीग्राम की गल करता है, 5 ml 1 mg ओला सॉल्ट है, बट जो पफ पफ की गल करिए गल करता माइक्रोग्राम की, जे आप एक सिरप का 1/10 हिस्सा होएगा 19 डोज ही जानी है पफ दे विच, ते बैटर की है वह अपन जिहड़ी घट डोज जा रही है एंड जिथे जानी है लंग्स जानी है उत्थे एक्ट करेगी, तो
बैटर की है पफ, लॉन्ग टर्म च कोई आदत लगन वाली नहीं है एंड लंबा समा नहीं चलना। आप 3 महीने ट्रायल देके देखते हैं, 3 महीने बाद ठीक है बंद कर देंगे। सो ये जिवें जिवें लोगों के बड़ा ही जिवें गल कर रहे हो कि मिथ्स चलती पई हैं, वो सानू साडा काम है कि आप एजुकेट करना। हूँ जिवें इस मीडियम राही आप जिवें टैलीकास्ट होएगा, लोगों नू पता लगना चाहिए कि जिहड़े पफ्स हुंदे आ वह तुहाडे सिर्फ शॉर्ट टर्म लिए आप यूज़ करते बच्चों, लॉन्ग टर्म च नहीं एंड यदि कोई आदत भी नहीं लगती। जे कोई तुहानू डॉक्टर रैकमेंड करता है उन्होंने हमेशा यूज़ करना चाहिए एंड इदा नहीं करना कि हाँ किसी होर ने कहा कि नहीं करना, नहीं जे लोड़ है डॉक्टर तो ही रैकमेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कोई भी जिते भी दिखा रहे हो तो मैं यही कहता कि तुम जरूर करो। डॉक्टर साहब, सर्वाइकस कैंसर जी कि अज बहुत वड्डा रूप धारण कर रही हैगी और उन्हां बच्चियां नूं जिहड़ियां कि मेंसिस दे पहलां आपां या बिल्कुल स्टार्टिंग दे मेंसिस ते ही आपां उन्हां नूं वो डोज लगा दिए तां वो सर्वाइकस कैंसर तों बच सकदियां ने। की कहना चाहोगे कि वैक्सीनेशन नूं भी लाइटली नहीं लैणे चाहिए, वैक्सीनेशन जरूरी आ, एवें वैक्सीनेशन नहीं बनिया गया। अज जिहड़ियां वैक्सीनेशन वो एक लाइफ सेविंग दा काम कर रही, अगे पोलियो किन्ना हुंदा सीगा, हर चौथा पंजवां बच्चे जो आपां नूं पोलियो मिल जांदा सी, लेकिन अज पोलियो खत्म हो गया। इस तरह ही जिहड़ियां बीमारियां ने उन्हां दे विच जदों जे सरकार ने कोई वैक्सीनेशन कढ़ी है, करोना दा एडा माड़ा पीरियड आया, जे वैक्सीनेशन ना होंदी तां शायद अपने च अद्धे लोकां नूं कोई होर वध प्रॉब्लमां हुंदियां। की कहना चाहोगे? जिवें असीं गल कीती सर्वाइकल कैंसर की, हुण जिहड़ी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन है वो जिहड़ी बच्चियां नूं आपां दिंदे आ कि एज अर्ली एज पॉसीबल स्टार्ट करदे आ। जे साडे कोल कोई बच्ची आउंदी है 9 साल तो बाद, जे आपां 9 साल तो लैके 14 साल के आपां बच्चे नूं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगाते हैं तो आपां 2-6 महीने के गैप से 2 डोज़ लगाते हैं। जे साडे कोल कोई बच्ची आती है मान लो कि मेंसिस स्टार्ट हो गए बट हले वैक्सीनेशन नहीं हुई, पर इस घबराने की गल नहीं होंगी, 14 साल तो बाद साडे कोल बच्ची आती है फिर वैक्सीनेशन आपां लगाते हैं तो 3 डोज़ लगती है, अज लवेंगे 1 महीने बाद तो 6 महीने बाद फिर। एंड जी सर्वाइकल कैंसर है ये अज के टाइम के बहुत ही ज़्यादा अवेयरनैस भी फैल रही है एंड तुहाडे चैनल राही एक मैसेज जाएगा कि हाँ इस चीज़ नूं लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर एक अज के टाइम के तुसी कह सकते हो कि पहले 3 दे विच ही है जो सर्वाइकल लेडीज़ के हुंदा है, तो जिन्ना छेती आप प्रिवेंशन स्टार्ट करिए एंड बीइंग डॉक्टर्स एंड बीइंग पेरेंट्स, मेरी भी जिवें बेटी है तो मैं भी अपना बेटी नूं जिवें 9 साल की होनी है मैं तो उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगवानी ही है, जरूरी है ता ही बनी है। जिवें सीगा जे बनी है तो किसी चीज़ करके बनी है तो आप उस चीज़ में सानू नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अभी हम बात कर रहे हैं मैडम रितिका जी के साथ जो सेंट्रल हेड हैं और यहाँ का हम जो अगर कह दें कि बैकबोन ही है इस हॉस्पिटल की, क्योंकि बहुत मेहनती हैं और हमेशा पेशेंट के वेलफेयर के लिए और हॉस्पिटल के वेलफेयर के लिए दोनों के ये जैसे बोलते हैं कि कड़ी है। रितिका जी स्वागत है आपका। थैंक यू जी। रितिका जी क्या कहना चाहेंगे कि जब से आपने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है, हॉस्पिटल खुला है, आपने बहुत दिल से सेवा की है और ये हॉस्पिटल जो कि लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बन चुका है, क्योंकि अगर हम बात कर लें पहले लोगों को जाना पड़ता था चंडीगढ़ मोहाली और अब खरड़ के लोगों के लिए ये वरदान बना हुआ है और आसपास के जितने भी गाँव हैं वो प्रेफर करते हैं अब यहाँ आना। हाँ जी हाँ जी, जब शुरू में ये था कि अभी हमें 1.5 साल ही हुए जैसे हॉस्पिटल को चलते हुए, बट अभी जैसे ये कि जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है तो नियर बाय जितने भी सब यहीं पे अप्रोच कर रहे हैं जैसे हर कोई पेशेंट जो भी है, बट बाकी यही है कि अभी चल रहा है हमारे पास पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, पेशेंट को नियर बाय सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में कर रहे हैं, तो पेशेंट भी यहाँ से खुश होकर जाते हैं, जैसे कि आपने पेशेंट का रिव्यूज़ वगैरह भी लिए होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लें एमडी मेडिसिन की वो बैठे हुए हैं, अर्थों के डॉक्टर बैठे हुए हैं, गुड़े चूल्हे यहाँ बदले जाते हैं, यहाँ पर डेटेक्स का यूनिट है, यहाँ गैनी का है, यहाँ डेंटल का है, मतलब ये कंप्लीट हॉस्पिटल बन चुका है और आने वाले समय में एज ए ट्रोमा सेंटर भी ये सेवा करेगा। हाँ जी सर, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये हमारा, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, गायनी का है हमारे पास, सारी सर्जरीज वगैरह यहाँ पे हो रही हैं हमारे पास, डिलीवरीज हो रही हैं, लैब कॉलीज हो रही हैं, जनरल सर्जन हमारे पास बैठते हैं, तो एक तरह से ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा, इसमें सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी और डॉक्टर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, पेशेंट के साथ काफ़ी फ्रेंडली माहौल है सारा यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है वो भी यहाँ पर लागू होती हैं और उसके लिए भी पेशेंट को इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अलग से सेल बना हुआ है, आप लोग जब भी वो पेशेंट आता है
तो उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उसको उससे भी ज़्यादा बढ़िया ट्रीट किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर, जैसे कई पेशेंट होते हैं वो अपॉइंटमेंट पहले ही लेके आते हैं हमारे पास, तो उनको बिल्कुल ऐसे नहीं है। 15 मिनट्स का हमारा टाइट है कि हमने 15 मिनट्स में पेशेंट को फर्दर आगे प्रोसीड करना है फॉर कंसल्टेशन, फॉर सर्जरी, जो भी रहता है पेशेंट आता है हमारे पास उसके लिए। रितिका जी, आपने हमें समझ दिया और इस बढ़िया हॉस्पिटल को हमने आज देखा और हमें बहुत बढ़िया लगा कि यहाँ पर सर्विसेज, डॉक्टर्स का बिहेवियर, नर्सिस, स्टाफ और यहाँ जैसे पेशेंट का हमने रिव्यू लिया। और ऋषि मैडम जो यहाँ के बैकबोन है, क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने पुश करके रखा हुआ है हर चीज़ को और वो इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि एकदम से बंदे में एनर्जी आ जाती है। हाँ जी, डॉक्टर ऋषि मांगर से हमें इतनी पॉजिटिविटी आती है, बेसिकली उन्हीं का रोल है सारा कि वो हमें इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। इतना मैम ने कभी लगता नहीं है, जैसे वो ऑनर्स होते हैं स्ट्रिक्ट एंड रूड इस टाइप से, काफ़ी फ्रेंडली नेचर है मैम का, कुछ भी रहता है कि सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हमें, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब उनकी तरफ से हमें कभी ये नहीं होता है कि हाँ इस चीज़ को करो, कोई भी इस तरह फोर्सफुली नहीं होता, बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली नेचर है मैम का भी, काफ़ी अच्छा है। हाय, वेलकम टू अपोलो क्लिनिक मोहाली। ये हमारी लैब है, इसमें ये हमारे स्टाफ हैं और इसमें सारे यहाँ पे जितनी भी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं और जितने भी यहाँ पे टेस्ट है वो इसी अंडर वन रूफ होता है, इसी क्लिनिक के अंडर सारी हमारे जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, सारे टेस्ट एक अंडर रूफ, सिंगल वन रूफ हो जाते हैं। आई एम करणवीर सिंह, आई एम स्टाफ मेंबर। सर, ये बायोकेमिस्ट्री है हमारे RFT LFT शुगर वगैरह सब इसमें लगते हैं, एचईवेंसी के लिए ये है, इस साइड हमारे कल्चर वगैरह इससे लगते हैं सर, बाकी इस साइड यूरिन माइक्रोस्कोपी अंदर होती है सर, बाकी कल्चर वगैरह देखते हैं सर। ये हमारा सैंपल कलेक्शन रूम है, यहाँ पे पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ये हमारा कैफेटेरिया एरिया है, यहाँ पे पेशेंट की जो भी डाइट रहती है उसका डाइट अकॉर्डिंग टू डाइट प्लान जो है पेशेंट की डाइट जाती है यहाँ से ना। एंटी रूम है, इसमें पेशेंट की जो है ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है और ये साथ में क्रैश कार्ड है, एनी टाइम अगर कोई इमरजेंसी रहे, डिफ है सामने, कोई भी इमरजेंसी रहती है तो ऑन द स्पॉट पेशेंट का फर्दर हम कर सकते हैं जो भी रहती है ट्रीटमेंट। अभी हमें रेजिडेंट डॉक्टर डॉक्टर कोमल जी के साथ, कोमल जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे कि आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस इन चंडीगढ़ अपोलो क्लिनिक ने अभी प्रत्यर्पण किया है 1.5 साल पहले खरड़ में भी और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, आपने वहाँ भी सेवा की यहाँ भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब चंडीगढ़ गई थी तो दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो डॉक्टर ऋषि मांगर एंड उन्हीं के भरोसे पे मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया एंड वहाँ पे मैं ज़ीरो से गई थी, अब मैंने पूरा वहाँ पे सारा काम सीखा है अंडर हर लाइक इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे परस्यू करने के बाद अपनी जॉब अब मैं खरड़ में आई हूँ, आई होप जैसे चंडीगढ़ में हो रहा है यहाँ पे भी वैसे ही मैम प्रोग्रेस करें और हमारा हॉस्पिटल और आगे बढ़े, वहाँ की तरह तरक्की करे खूब ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे यहाँ की हर कोई सर्जरीज, यूरोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, जनरल सर्जरीज, हर कोई सर्जरीज होती है और पेशेंट केयर भी सबसे अच्छा होता है यहाँ पे और सबसे बेहतरीन एनेस्थीसिया का भी यहाँ पे हाई एडवांसड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ और मशीन भी एडवांसड है, हाई एडवांसड सीएम भी है यहाँ पे और विद मोनिटर भी है और ऑपरेशन टेबल मूवेबल है, ओटी लाइटर्स और सेंट्रल लाइन सिस्टम भी है, एनेस्थीसिया विद वेंटिलेटर भी है हमारे यहाँ पे और ड्रग्स अवेलेबल है हर किसी चीज़ की। ये भी हम यहाँ पे अपने ग्राउंड फ्लोर पे हैं, यहाँ पे हमारा फ्रंट ऑफिस अवेलेबल है और साथ में यहाँ पे हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट रूम है, बेसिकली इमरजेंसी में जो भी पेशेंट होता है उसकी फर्स्टली ट्रीटमेंट यहीं पे होती है, देन वार्ड या OT में जैसे भी होता है पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। और इस तरफ हमारा ये OPG रूम है, ये OPG रूम है, यहाँ पे पेशेंट की OPG वगैरह की जाती है। ये हमारा एक्सरे है, ये हमारे पास डिजिटल एक्सरे अवेलेबल है और 24/7 हमारे पास रेडियो टेक्नीशियंस और हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल रहते हैं हमारे 9 to 2। हमारा अल्ट्रासाउंड रूम है, यहाँ पे सारे अल्ट्रासाउंड यहाँ पे किए जाते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमारे पास मशीनरी है इसके लिए। ये हमारी MT है जो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल रहते हैं 9 to 2। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अभय चोपड़ा जी के साथ। अभय जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। अभय जी, जो कि लंबे समय से चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने सेवाएं की हैं और अभी यहाँ अपोलो क्लिनिक में ये सेवा कर रहे हैं खरड़ में, अभी जी क्या कहना चाहेंगे कि गोड्डे चूल्हे
जो कि बदलना अब एक बहुत ही आसान हो गया है, और जिस तरह से आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये बहुत ही एडवांस हो चुकी है और बहुत अच्छी सर्जरी है, अच्छा सक्सेस रेट है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ता है, उसी दिन से या अगले दिन से हम चला देते हैं पेशेंट को, और सिग्निफिकेंट रिमार्केबल रिकवरी होती है ना। जो लोग नहीं चल पाते, जिनके जोड़ ख़राब होते हैं और बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं या व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, उनको इस सर्जरी का बहुत फ़ायदा होता है और ये हाईली रिकमेंडेड है। सर, आर्थराइटिस जो कि आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और उसके साथ प्रॉब्लम्स पहले जैसे 50-55 में आती थी, अभी आजकल थोड़ा सा एज का भी फैक्टर होगा कि पहले से आने लगे हैं? आजकल ये हम देख रहे हैं कि जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मिडिल एज में स्टार्ट हो रही है, पहले से 10 साल पहले अब शुरू होने लग गई है ये प्रॉब्लम। इसका कारण है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइटरी है, हैबिट्स हैं, ये सब में बदलाव, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गया है, या फिर जिससे जो हमारे न्यूट्रिशन में काफ़ी बदलाव आ गया है उस वजह से, और भी कई कारण हैं इसके, गठिया वगैरह के केसेस में जो हेरिडिटरी है, जो फैमिलीज में रन करता है, उसमें भी ये जो बीमारी है काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अभी जी, क्या कहना चाहिए कि हमें जब हमारा एक गुड्डा प्रॉब्लम में आता है तो लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बंदा क्या करता है कि वो गुड्डे तो टूट के करता रहता है उसके साथ, और दूसरे गुड्डे पर भार पा पा कर दूसरा गुड्डा भी ख़राब कर रहता है, और पहले नौबत एक की थी, अब दोनों की हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि एक गुड्डे में कोई नुक्स है तो आपको तुरंत किसी बढ़िया जो है इसकी जो सेवाएं हैं, एक बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर से लेनी चाहिए, ना कि आपको आपका मैं से पूछकर मेडिसिन ले रहे हैं, आप टोटको में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के एक घुटने में प्रॉब्लम होती है तो उसको बचाने के चक्कर में दूसरे घुटने पे, वो दूसरे टांग पे डबल वज़न डाल के चलने से उनका दूसरा घुटना भी आर्थराइटिक हो जाता है। तो इसका यही है कि आप एक इमीडिएटली एक क्वालिफाइड आप डॉक्टर को, एक स्पेशलिस्ट को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप कंसल्ट करें, और जो भी आपको घुटना तंग कर रहा है उसका आप इलाज शुरू करें, ताकि ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते दोनों घुटनों को इन्वॉल्व ना करें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और इस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़ते रहेंगे। दर्शकों, एक तो अपोलो क्लिनिक और दूसरा डॉक्टर अबेजिन का लंबा एक्सपीरियंस, और एक और इनके साथ सर्जन है, तीनों मिलकर जो है, एक तो अपोलो है ही, वो मल्टी स्पेशलिटी चेन है, और उसके साथ साथ ये दोनों डॉक्टर जिनका लंबा एक्सपीरियंस है। आप लोग कभी भी आकर अपोलो में गुड्डे चूल्हे बदलने हैं, कोई और प्रॉब्लम है, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप फ़ोन से अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अभी मैं डॉक्टर अर्पित कक्कड़ जी के साथ, जो MD मेडिसिन है, यहाँ पर अपोलो क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अर्पित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। अरब जी, क्या कहना चाहेंगे कि लंबे समय से अपोलो हॉस्पिटल जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आप उनका एक हिस्सा बने हैं, और जैसे एक सोना और उस पे सुहागा, आपका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस और बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड के साथ आप सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे अपोलो क्लिनिक में अपॉइंट किया गया है एज अ बतौर कंसल्टेंट मेडिसिन। मैं PGI चंडीगढ़ से सीनियर रेजिडेंट शिप मैंने अपनी कंप्लीट करी है, और उसके बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। जिस तरह का पेशेंट का फुटफॉल है और बाकी सर्विसेज हम यहाँ पे जितनी अवेलेबल हम दे पा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट एंड द मैनेजमेंट इज सपोर्टिंग मी। एंड एज फार एज दिस क्लिनिक इज कंसर्न, शुगर की बात कर लें हम लोग, BP की, हार्ट की बात कर लें, तो ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें आपको हर तरह की पेशेंट्स जो है आते हैं, और आप सबसे बड़ी बात है काउंसिल करते हैं, और आपका माइंड ये होता है कि आप कम से कम मेडिसन्स और ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ और उनका लाइफस्टाइल। जी बिल्कुल, आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसी बहुत सारी हैं जिनमें हमें परहेज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दवाइयों को हम इग्नोर कर सकते हैं, हम कुछ टाइम तक उनको रोक कर रह सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। अगर हम नहीं चेंज करते, जैसे आपने बात कही BP की, शुगर की, अगर हम अपनी मर्जी से अपना खान पान का बाहर से करते रहेंगे या गलत खाते रहेंगे, तो फिर दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि डाइट अपनी पहले मैनेज करो, उसके बाद रेगुलरली जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हैं वो आप कंटिन्यूस लेते रहें। डॉक्टर साहब,
क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, आप एमडी मेडिसिन हैं, इसमें आर्थो के डॉक्टर्स हैं, आइज के डॉक्टर्स हैं, इसमें हर्ट के डॉक्टर्स हैं, मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो अपोलो में है, और ये एक मल्टी स्पेशलिटी चेन है, और जिसने भी आना है, अगर आप कोई भी जो किसी को भगवान करे प्रॉब्लम हो ही ना, अगर प्रॉब्लम हो तो वो अपोलो को प्रेफर करे, क्योंकि यहाँ का स्टाफ और यहाँ का एमबीएस बहुत ही बढ़िया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये मल्टी स्पेशलिटी यूनिट है। वी हैव ऑल द सर्विसेज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, वी हैव पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मेडिसिन, रेडियोलॉजी, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल हेयर, तो यू पीपल कैन कम एंड कंसल्ट। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीष छबड़ा जी के साथ, जो यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि अपोलो की चेन और आपका पीजीआई का एक्सपीरियंस दोनों मिलकर आइज के लिए एक वरदान है जो यहाँ पर खरड़ के एरिया में सेवा दे रहा है? एब्सोल्युटली, जो मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके आसपास कोई और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, तो ये वो यहाँ आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो बड़े लोग थे, उनको ही प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी, लेकिन आजकल जो मॉडर्न ईरा है जिसमें छोटी छोटी बच्चे जो हैं एज के, उनको भी एनक लग रही है, उनका भी प्रेशर बढ़ रहा है, उनको ड्राइनेस हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि स्पेशली आफ्टर कोविड, तो कोविड से पहले क्या था, हम ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट नहीं थे, बट स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड में हमारे पास घर पे और कुछ ज़्यादा तो काम था नहीं, तो पूरे टाइम हम मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप्स पर रहते थे, तो उस कारण वी हैव बिकम एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन, राइट? तो उससे क्या हो रहा है, जितनी देर हम हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे उसका डेफिनेट इफेक्ट पड़ेगा हमारी आइज़ पर। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ सिंपल रूल जिसको हम बोलते हैं 20-20-20 रूल, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर आप कोई भी मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद आपने 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पर देखना है। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी जो टीयर फिल्म है, जैसे हमारी जो पुतली होती है उसके आगे एक टीयर फिल्म होती है, पानी की परत होती है, वो विद टाइम सूख जाती है। तो इसलिए नॉर्मली अगर हम पलक झपकते हैं, वो झपकते हैं 10 सेकंड में एक बार, लेकिन जब हम कोई भी मोबाइल पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वो जो झपकना होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम में हमारी जो टीयर फिल्म है वो ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आँखों का जलन होना, आँखों में लाली आना, आँखों में से पानी निकलना, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। जैसा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल इस हॉस्पिटल में आइज के लिए? यहाँ पर हम सफ़ेद मोतिया का इलाज करते हैं, काले मोतिया का करते हैं, यहाँ पे हम पर्दे की पूरी जांच करते हैं, स्पेशली वो पेशेंट जिनको मधुमेह की बीमारी है, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का नंबर देते हैं, जिसको हम एनक का नंबर देना बोलते हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग होती है, यहाँ पर सारी ही बीमारियों को टेक केयर किया जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।